आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। तो इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो जेंडर एंड पॉलिटिक्स है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लेट अस बिगिन विद द जेंडर डिवीज़न। हम शुरू करते हैं अपनी बात जेंडर डिवीज़न। अब जेंडर की डिवीज़न 3 तरीके का होता है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। लेकिन यहाँ जो सारी बात आपको मिलेगी वो सिर्फ फीमेल के बारे में बात होती मिलेगी। ओके तो महिलाओं के बारे में यहाँ बात की जाएगी, एक पर्टिकुलर जेंडर की बात होगी यहाँ पर। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीज़न सीन एवरीवेयर। अब ये जो जेंडर डिवीज़न है ये कोई बराबर वाला डिवीज़न नहीं है कि जहाँ पर तीनों जेंडर को बराबर का हक मिलता है, बल्कि हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह से है जहाँ पुरुषों को यानी मेल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा बड़ा समझा जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है जहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा होता है उसको कहते हैं हायरार्किकल डिवीज़न, और समाज में है इसीलिए हायरार्किकल सोशल डिवीज़न कहते हैं। तो ये जो डिवीज़न है जेंडर डिवीज़न वो हमें हर जगह देखने को मिलता है, बट इज़ रेयरली रिकॉग्नाइज इन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं, तो ये टॉपिक हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ते और नहीं आता, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल साइंस में जनरली क्या पढ़ते हैं, इलेक्शन के बारे में, वोट के बारे में, संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जेंडर के बारे में इतनी बातें नहीं हो पाती। तो बहुत मुश्किल से इनके बारे में हमें यहाँ पढ़ने को मिलता है। द जेंडर डिवीज़न टेंस टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। अभी जो जेंडर का डिवीज़न है यानी कोई महिला है तो कोई पुरुष है, इसे कहते हैं जेंडर डिवीज़न। तो ये जो डिवीज़न है इसे एक नेचुरल समझा जाता है, और ये साथ में ये भी समझा जाता है कि इसको बदला नहीं जा सकता, यानी जो मर्द है तो मर्द है भाई, उसको ज़्यादा बड़ी पोजीशन हमारी सोसाइटी ने दे रखी है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ये एक नेचुरल बात समझी जाती है और ये भी समझा जाता है इसको हम बदल नहीं सकते। हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। यानी ये जो डिवीज़न है, जो बंटवारा है, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एक होता है डिफरेंस और एक होता है डिवीज़न। हर आदमी दूसरे आदमी से अलग है, डिफरेंस है, हर आदमी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन डिवीज़न कब होता है? डिवीज़न जब होता है जब किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक तरह के लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया जाता है तो सोसाइटी बढ़ जाती है। तो इसी तरह जेंडर डिफरेंस तो है भाई, मेल और फीमेल अलग हैं, फिजिकली भी आप देखें तो हर तरीके में अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई बड़ा और छोटा नहीं है। तो ये बायोलॉजिकल नहीं है डिवीज़न, यानी जो छोटा बड़ा दर्जा दिया गया है ये बायोलॉजी की वजह से नहीं दिया है, फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल अपियरेंस की वजह से नहीं दिया गया है, बल्कि किस वजह से दिया है, बट ऑन द सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। यानी समाज में क्या एक्सपेक्टेशन है किसी के बारे में, जैसे कोई काम है आपको कराना है तो एक फीमेल के बारे में कहेंगे कि ये इसको घर में काम करना चाहिए, तो समाज क्या एक्सपेक्ट करता है कि एक औरत को, एक महिला को घर में काम करना चाहिए, घर के काम देखने चाहिए, और एक मर्द को, पुरुष को बाहर के काम देखने चाहिए। तो समाज में क्या एक्सपेक्टेशन है मर्द को के लिए और औरत के लिए, एंड स्टीरियोटाइप्स यानी किसी के बारे में कोई गलत सोच बना लेना। जैसे कि हमारे समाज में गलत सोच बनी हुई है महिलाओं के लिए कि इन्हें सिर्फ घर का काम करना चाहिए, तो एक समाज के अंदर ये उम्मीद की जाती है कि ये काम औरत का है, ये काम मर्द का है, और एक गलत सोच समाज में चल रही है। पब्लिक या प्राइवेट डिवीज़न। अब पब्लिक में भी डिवीज़न है, यानी जेंडर का डिवीज़न हम आम पब्लिक में भी देखते हैं और अपनी प्राइवेट घर की ज़िंदगी में भी देखते हैं, तो ये डिवीज़न है यानी लड़का और लड़की के अंदर डिवीज़न बताया जाता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज़ हाउस वर्क। यानी लड़कों और लड़कियों को ये बात का यकीन दिलाया जाता है कि जो महिलाओं की जो मेन जिम्मेदारी है वो घर का काम है, एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन और बच्चों का को पालना है। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन सेक्स इन अ सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। और इसकी झलक आपको कहाँ मिलती है? सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर। अब ये क्या है सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर? अ सिस्टम इन विच ऑल वर्क इन साइड द होम इज आइदर डन बाई वुमेन ऑफ द फैमिली। यानी घर के जितने काम हैं ये एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर घर के सारे काम वो महिलाएं देखती हैं, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, और ऑर्गेनाइज बाई देम थ्रू डोमेस्टिक हेल्पर। यह तो जो है घर के अंदर जो वर्कर्स वगैरह हैं, सर्वेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करना, उसे देखभाल करना, यानी घर के जितने काम है वो औरत का काम है, वो उसको देखना है।
वुमेन डू ऑल वर्क इनसाइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एक्सेट्रा। यानी महिलाओं का काम क्या है, घर के अंदर खाना बनाना, साफ सफाई, ये सब सारा काम जो है जो डिस्कस किया गया अभी, ये सब करना है। एंड मेन डू ऑल वर्क आउटसाइड होम, और पुरुषों का काम बाहर के जितने काम है वो करना है। इट इज़ नॉट दैट मेन कैन नॉट डू हाउस वर्क, ऐसा नहीं है कि पुरुष जो है, मेल जो है, वो घर के काम नहीं कर सकते। दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर द वुमेन टू अटेंड दीज थिंग्स, बल्कि ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, बल्कि ये सोचते हैं कि ये काम तो औरतों का है, औरतों को ही करना चाहिए। वेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर, मैन आर रेडी टू टेक अप दीज वर्क। लेकिन जब इसके लिए कोई सैलरी देता है, यानी घर वाले ही काम के लिए अगर पैसे मिलने लगे, तो फिर वहाँ पर जो है पुरुष भी पहुँच जाते हैं, मर्द भी पहुँच जाते हैं। जैसे मोस्ट टेलर्स और कुक इन द होटल्स आर मैन, आप जानते होंगे बहुत सारे टेलर हैं, टेलरिंग को क्या घर का काम समझा जाता है, और खाना बनाना भी। लेकिन बहुत सारे होटल के अंदर जो कुक है, खाना बनाने वाले हैं, वो ज़्यादातर मर्द ही हैं। सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड दियर होम, और ऐसा भी नहीं है कि औरतें बाहर का काम नहीं करती। इन विलेजेस, गाँव में क्या है, वुमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल एंड वर्क इन द फील्ड्स। जो महिलाएँ हैं वो पानी निकालती हैं कुएँ वगैरह से, और ईंधन इकट्ठा करती हैं, जैसे लकड़ी वगैरह इकट्ठा करना, और खेतों में काम भी करती हैं। इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स। और जो शहर के एरिया में अगर आप देखें, तो जो गरीब औरतें हैं वो दूसरों के घर में, मिडिल क्लास फैमिली जाकर वो काम करती हैं, झाड़ू वगैरह का काम है, या खाना बनाना है, बर्तन साफ करना है, इस तरह के काम जो है वो गरीब औरतें शहर के अंदर करती हैं। वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिस, और मिडिल क्लास की जो औरतें हैं वो ऑफिस वगैरह में काम करती हैं, जॉब्स करती हैं। इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू लेबर। बल्कि जो ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो अपने घर के काम के साथ कोई ऐसा काम भी बाहर करती हैं जिससे उन्हें कोई सैलरी मिले, पैसे मिले। बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट रिकॉग्नाइज, लेकिन उनके काम की कीमत नहीं समझी जाती, और ना ही उन्हें समाज के अंदर कोई पहचानता भी है। द रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन इज ऑफ लेबर इज दैट ऑल द वुमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी। अब इसका जो नतीजा हुआ है, जो डिवीज़न हो गए हैं जेंडर का, उससे ये प्रॉब्लम आ गई है। हालांकि जो महिलाएं हैं वो आधी ह्यूमैनिटी हैं, यानी आधे दुनिया के अंदर मर्द हैं तो आधे औरत हैं, लेकिन उसकी वजह से डिवीज़न वेज क्या हो गया है, दियर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स, यानी पब्लिक के अंदर जो उनकी ज़िंदगी है, आम जनता के बीच में जो उनकी ज़िंदगी है, ख़ास तौर से पॉलिटिक्स के अंदर, इज़ मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज़। बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर इनके जो अपियरेंस है, यानी जो इनका योगदान है, बहुत कम है। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कॉन्टेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेस। शुरू शुरू में क्या होता था, सिर्फ मर्दों को ये अधिकार था कि वो पब्लिक मैटर्स में जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या वोट दे सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, ऑफिसेस में काम कर सकते हैं, ये पहले होता था। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वॉज रेज इन पॉलिटिक्स, और धीरे धीरे फिर जो है ये जेंडर वाले मसले को पॉलिटिक्स में उठाया गया। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। दुनिया भर के अंदर जो महिलाओं ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और आंदोलन किया बराबर के हक के लिए। देयर आर एजिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वुमेन, और बहुत सारे देशों के अंदर आंदोलन चला कि भाई औरतों को भी, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। दीज एजिटेशन डिमांड इन इनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन, और ये जो आंदोलन चले इसमें ये डिमांड उठाई गई कि हमारे पॉलिटिकल जो स्टेटस है, पॉलिटिकल दर्जा है, यानी पॉलिटिकल फील्ड के अंदर, इलेक्शन वगैरह के अंदर खड़े होने का, उसको भी बढ़ाया जाए, उसके लिए कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पॉलिटिक्स के अंदर आएँ, और उनका लीगल स्टेटस, जैसे पहले आप महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी, बहुत पहले की बात है, वोट नहीं दे सकती थी, तो जब वोट नहीं दी होंगे तो वोटर आई कार्ड नहीं बनेगा। जितना आप पब्लिक में नहीं होंगे उतना आपके पास पब्लिक के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कोई महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था तो वोटर आई कार्ड नहीं होगा। इस तरह से उनकी पहचान सोसाइटी में, कोई अपनी पहचान नहीं थी कि दुनिया के अंदर है, उसके कोई एग्जिस्टेंस का कोई सबूत नहीं था, उसको कहते हैं लीगल स्टेटस। तो कोई लीगल स्टेटस को बढ़ाया जाए, यानी हर जगह जब पार्टिसिपेट करेंगी तो उनके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होंगे, प्रूफ्स होंगे। देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी, और उनके एजुकेशन में भी मदद की जाए कि उनका एजुकेशन के लिए भी प्रॉपर इंतज़ाम किया जाए, और उनको आगे कैरियर जॉब्स वगैरह के लिए भी उनके लिए सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ वेल, और बहुत सारी जो
मूवमेंट ऐसी भी चली जो और भी ज़्यादा आगे बढ़ गई, रेडिकल हो गई, बहुत ज़्यादा उग्र हो गई। उसमें ये बात उठाई गई कि घर की ज़िंदगी के अंदर भी बराबर का हक मिलना चाहिए। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट, और इन्हीं मूवमेंट्स का नाम फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया। अ फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होती है? अ वूमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वूमेन, यानी वो मर्द या वो औरत जो इस बात पर विश्वास करता है कि मर्द औरत को बराबर का हक मिलना चाहिए, उसे कहते हैं फेमिनिस्ट। और इसके लिए जो आंदोलन चलता है उसके फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेंस रोल इन पब्लिक लाइफ, यानी ये जो पॉलिटिक्स के अंदर जेंडर डिवीजन की जो बात उठाई गई और उसका पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन किया गया, यानी लोगों को इस के लिए पॉलिटिक्स के अंदर लाया गया, इकट्ठा किया, कलेक्ट किया गया इस सवाल के लिए कि हमें क्यों बराबर का हक नहीं मिल रहा है, हमें भी बराबर को यानी महिलाओं को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि उनकी जो ज़िंदगी है पब्लिक लाइफ के अंदर वो उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर विच फॉर अर्लियर नॉट कंसिडर सुटेबल फॉर वुमेन। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, ये सब वगैरह जो बहुत सारी जगह पर काम कर रही हैं, जो पहले अच्छा नहीं समझा जाता था महिलाओं के काम के लिए, महिलाओं को ये सब काम नहीं करना चाहिए, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है और हर फील्ड में फीमेल्स हैं। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल इन बहुत सारे दुनिया के जगहों पर, जैसा कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। और जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है जैसे कि स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क भी आता है, लेकिन यहाँ तीन ही मेंशन हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे, उन देशों में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर महिलाओं का जो रोल है पब्लिक के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। इन अवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। अपने देश की अगर बात करें तो बहुत पीछे हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ है आज़ादी के बाद से, लेकिन अभी भी बहुत पीछे हैं। वर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेंट पैट्रियार्किकल सोसाइटी, और हमारे यहाँ क्या है कि पुरुष प्रधान समाज है, यानी मेल जो है वो ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है और हमारी पैट्रियार्किकल सोसाइटी है। अब ये क्या होता है, लिटरली रूल्ड बाय फादर, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज टू रिफर टू सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव देम पावर ओवर वुमेन। और ये एक तरह का ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो फादर है वो घर का बड़ा होता है, वही रूल करता है और उसके पास ज़्यादा पावर होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो ये था पैट्रियार्किकल का मतलब। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। अब महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों से, फैसिलिटीज से दूर रखा जाता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती, डिसएडवांटेज हैं और उनके साथ भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों में दबाया जाता है उन्हें समाज के अंदर। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर टू 76% अमंग मैन। जो लिटरेसी रेट है यानी जो एजुकेशनल रेट है, यानी कितनी औरतें, कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उसको अगर देखा जाए तो सिर्फ 54% महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, लिटरेट हैं, और जबकि मर्द को अगर देखा जाए तो वो 76% हैं ऐसे जो पढ़े लिखे हैं। सिमिलरली अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज़, और बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जो हायर स्टडीज़ और आगे स्टडीज़ करती हैं पढ़ाई। जनरली क्या होता है, हाई स्कूल इंटर करा दिया तो ये हायर स्टडीज़ में मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो उतना ज़्यादा महिलाएं नहीं हैं। वन वी लुक एट ए स्कूल रिजल्ट, गर्ल परफॉर्म एज वेल एज बॉय इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस। अगर हम रिजल्ट देखें स्कूल के अंदर तो लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, बराबर का ही उनका जो है परफॉर्मेंस है, बल्कि और अच्छा है बहुत सारी जगहों पर। बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट प्रिफर टू स्पेंड दियर रिसोर्सेज फॉर बॉयज़, लेकिन उन्हें आगे पढ़ने नहीं दिया जाता इसलिए क्योंकि जो उनके पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि अपने जो पैसा है, रिसोर्सेज है, वो लड़कों के लिए लगाना चाहिए एजुकेशन रैदर दैन स्पेंडिंग इक्वली ऑन आइदर सन एंड डॉटर्स। वो चाहते हैं कि जो पैसा है, ज़्यादातर पैसा अच्छा वो अपनी लड़के के लिए अच्छी पढ़ाई में लगा दें, बजाय इसके कि अपने लड़के और लड़की दोनों में बराबर पैसा बांट के उनको स्पेंड करें।
नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ द वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल। और जो ऐसी जॉब है जहाँ पर अच्छी हैसियत है और जहाँ अच्छा पैसा है, वहाँ पर महिलाएँ बहुत कम है। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। यानी कि एवरेज जो महिला है, अगर एवरेज निकाला जाए तो हर महिला जो है दूसरे मर्द से 1 घंटा ज़्यादा ही काम करती है। येट मच ऑफ हर वर्क इज़ नॉट पेड। लेकिन उसके बहुत सारे काम का जो है पैसा नहीं मिलता, ऐसे घर के काम है, एंड देयर फॉर नॉट वैल्यूड, इसीलिए उसकी कीमत भी नहीं होती। द इक्वल वेजेस एक्ट प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। एक एक्ट लाया गया था, इक्वल वेजेस एक्ट, आई थिंक 1976 या 77 के अराउंड लाया गया था इस एक्ट को। उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर काम एक जैसा है तो उसको चाहे फीमेल करे या मेल करे, दोनों को बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमाज, और अगर हम देखें तो लगभग सारे ही काम के एरियाज के अंदर, चाहे वह स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, या फैक्ट्री हो, फील्ड हो, वुमेंस आर पेड लेस देन मैन। तो वहाँ पर जो वुमेंस हैं उनको कम पैसा दिया जाता है एज कम्पेयर टू मेन्स। इवन वन बोथ डू एग्जैक्टली सेम वर्क, जबकि दोनों लोग एक ही जैसा काम कर रहे हो, उसके बाद भी महिलाओं को सैलरी कम मिलती है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रीफर टू हैव सन एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज बोर्न। बहुत सारे जो है हमारे देश के हिस्से और जगह ऐसी भी है जहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि हमारे लड़का पैदा हो हमारे घर में, और अगर लड़की पता चल जाता है कि लड़की आने वाली है, पैदा होने वाली है, तो उसको पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं। सच सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन लीड टू अ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। और इसकी वजह से क्या हुआ, चाइल्ड सेक्स रेशियो में कमी आ गई। अभी चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, अ नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड पर 1000 बॉय, यानी 1000 लड़कों के कंपैरिजन में कितनी लड़कियां हैं उस एरिया के अंदर, यानी उस एरिया के अंदर अगर 1000 लड़के हैं तो उसके कंपैरिजन में लड़कियां कितनी हैं, उसको कहते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो इन द कंट्री टू मेयरली 927, तो ये घटकर कितनी हो गई, 1000 के लड़के हैं कहीं पर तो 927 लड़कियां हैं हमारे देश के अंदर, ये हाल हो गया है। एज मैप शोज दिस रेशियो हैज़ फॉलन बिलो 850 और इवन 800 इन सम प्लेसेज। ऊपर मैप दिया है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें ये पता चलेगा बहुत सी जगह पर 850 बल्कि 800 से नीचे चले गए हैं। यानी किसी एरिया का अगर आप निकालें या किसी स्टेट का अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो निकालें, तो अगर 1000 लड़के हैं तो वहाँ सिर्फ 800 बल्कि 800 से भी कम लड़कियाँ हैं। बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं। देर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ हैरेसमेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी आती रहती हैं कि उनके साथ हैरेसमेंट किया जा रहा है, यानी परेशान किया जा रहा है, उनके एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है और हिंसा हो रही है महिलाओं के अगेंस्ट। बहुत सारी रिपोर्ट ऐसे आती रहती है, हम न्यूज़पेपर्स में सुनते रहते हैं, न्यूज़ में देखते रहते हैं। अर्बन एरियाज हैव बिकम पार्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन, और शहर के इलाके तो भाई महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह गए हैं अब। दे आर नॉट इवन सेफ विद इन दियर ओन होम फ्रॉम बीटिंग हैरेसमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ तक कि वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, और ससुराल में क्या होता है, ससुराल वाले मारते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहते हैं, यानी घर के अंदर जो उनके साथ वायलेंस किया जाता है उसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। तो अब किसे सुनते रहते हैं कि ससुराल में लड़कियों को मारा जाता है और तमाम तरीके को परेशान किया जाता है। वुमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, अब महिलाओं का पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल फील्ड के अंदर, जैसे इलेक्शन के अंदर, देश को चलाने के अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन है, ऑल दिस इज वेल नोन। जो हमने पढ़ा ना वो सब जानते हैं, हर आदमी जानता है क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, क्या स्टेटस है। येट इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन वुमेन्स वेल बींग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडवोकेटेड अटेंशन। हम सब जानते हैं, लेकिन जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वुमेन्स से रिलेटेड, उसको जो है खास ध्यान नहीं दिया जाता। दिस हैड लेट मैनी फेमिनिस्ट अदर एंड वुमेन्स मूवमेंट टू द कंक्लूजन दैट द अनलेस द वुमेन कंट्रोल पावर। और इसकी वजह से जानते हैं प्रॉब्लम है लेकिन उसके बाद ध्यान नहीं दिया जाता, तो बहुत सारे जो फेमिनिस्ट हैं या जो महिलाओं के जो मूवमेंट चल रही है, आंदोलन चल रहा है, वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जब तक महिला पावर में नहीं आएगी, खुद जो है इलेक्शन के अंदर नहीं खड़ी होगी, खुद एक रूलर नहीं बनेगी, दियर प्रॉब्लम विल नॉट गेट एडुकेट अटेंशन, उनको खास तौर से सही अटेंशन नहीं मिल पाएगी। वन वे टू इंश्योर दिस इज हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उसका एक रास्ता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ वो सांसद में जाएँ, इलेक्शन जीतें और रिप्रेजेंटेशन करें। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ द वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। अगर हम देखें अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, अपने सांसद वगैरह के अंदर देखें, पार्लियामेंट के अंदर भी देखें,
तो महिलाएं कम है वहां पर, बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज नेवर रीच्ड इवन 10% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ, यानी कभी 10% भी महिलाएं नहीं पहुंची हैं लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर आई थिंक 545 मेंबर अभी इस प्रेजेंट में हैं, अभी तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, 14.3% महिलाएं पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये जब बुक लिखी गई तब की बात बता रहा है कि 10% भी महिलाएं नहीं हैं। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। और जो स्टेट की असेंबली है, विधानसभा जो है जहाँ विधायक बनकर जाते हैं, तो ये तो ऊपर वाला तो लोकसभा की बात हो गई, जहाँ सांसद बनकर जाते हैं, एमपी बनकर, वहाँ तो 10% से कम है। और अगर विधायक बनकर जो महिलाएं गई हैं वो 5% से भी कम है। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन। और इस तरह से जो देश है जहाँ पर महिलाओं की स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो बस वही लेवल हमारा बॉटम वाला ही लेवल रह गया है इन द वर्ल्ड गिवन बिलो। मैप में नीचे चार्ट में देख सकते हैं, इंडिया इज़ बिहाइंड द, ये देखिए एवरेज इंडिया का देखिए 8.3 है, अब तो इम्प्रूवमेंट हो गया, 14% हो गया, तो हम एवरेज कितना है 16 पॉइंट, उससे नीचे हैं। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज से भी पीछे हैं हमें। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल, इवन वन अ वूमेन बिकम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। अगर महिला कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बन जाती है ना, तो भी जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं, जैसे गृह मंत्री हैं और डिफेंस मिनिस्टर, ये सब जो बड़े मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। तो अगर कोई महिला चीफ मिनिस्टर भी बन जाती है, प्रधानमंत्री बन जाती है, उसके बाद भी महिला जो है कैबिनेट मिनिस्टर, फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर बहुत कम है। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज। एक रास्ता तो ये है कि एक कानून बना दिया जाए, लीगली बाइंड कर दिया जाए कि एक इतना परसेंट महिला होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज वॉट पंचायती राज हैज डन इंडिया। पंचायती राज में ये सिस्टम है, 1/3 ऑफ द सीट इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपल्स आर नॉट रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 जो सीट है, यानी 3 सीटें हैं तो 1 सीटें महिलाओं को, हर 3 सीट पर 1 सीट महिलाओं की होगी। जितनी जितनी टोटल सीटें हैं उसमें से 1/3 सीट पर सिर्फ महिलाएं ही इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं। ऐसा बहुत सी जगह, मेरे एरिया में भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत से लोग अपना इलेक्शन प्रचार कर रहे थे, बाद में हुआ कि महिला सीट, यहाँ पर सिर्फ एक फीमेल कैंडिडेट ही खड़ी हो सकती है इलेक्शन में, तो जो लोग खुद खड़े होने वाले थे वो अपनी वाइफ को या मदर को खड़ा कर दिए। तो इस तरह से क्या था है, लेकिन आप देखेंगे अगर जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है उसमें ऐसा नहीं है, कोई भी खड़ा हो जाता है। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो ये पंचायत और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर अगर आप देखें तो 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं जो इलेक्शन जीत कर अपना एरिया का रिप्रेजेंट कर रही हैं। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैड बीन डिमांडिंग अ सिमिलर, और जो वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन वगैरह हैं और जो एक्टिविस्ट हैं, वो ये डिमांड कर रही हैं कि ऐसा ही सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ अ सीट ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट इन लोकसभा एंड असेंबलीज फॉर वुमेन। और कहा जैसे पंचायती राज में एक 1/3 सीट रिजर्व है, इसी तरह से लोकसभा के अंदर भी और स्टेट असेंबलीज जहां आदमी विधायक बनकर जाता है स्टेट की असेंबली, वहां पर भी ऐसे ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कम से कम 1/3 तो मिलना चाहिए। अ बिल विद दिस प्रपोजल हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डिकेड। अब ये बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग है, अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। बट देर इज नो कॉन्सेंसस ओवर दिस अमंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन अभी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें आम कोई सहमति नहीं बन पाई, वो लोग एग्री नहीं कर पाए। दिस बिल हैज़ नॉट बीन पास, अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ। जेंडर डिवीज़न इज एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीज़न नीड टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। अब जेंडर डिवीज़न एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि जो सोशल डिवीज़न है वो पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए। पिछले में हमने पढ़ा था कि जब सोशल डिवीज़न पॉलिटिक्स में आता है तो क्या नुकसान होते हैं, और ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे भी डिवीज़न होते हैं जो पॉलिटिक्स में आना जिनका ज़रूरी होता, उन्हीं में से एक ही जेंडर डिवीज़न है, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने की वजह से ही इम्प्रूवमेंट हुई। दिस ऑल्सो शोज दैट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीज़न बिकम अ पॉलिटिकल इशू। और इसमें ये भी बात हमें पता चलती है कि जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, यानी उन्हें जो हर तरीके की फैसिलिटी जिन्हें नहीं मिल रही है, यानी दूसरी कम्युनिटी को जो फैसिलिटी मिल रही है वो किसी एक कम्युनिटी को नहीं मिल रही है, तो उसे कहते हैं डिसएडवांटेज ग्रुप। तो ये डिसएडवांटेज ग्रुप हैं
उनको जो है, दिस ऑल्सो शो दैट डिसएडवांटेज ग्रुप डू बेनिफिट वेन सोशल डिवीजन बिकम अ पॉलिटिकल इशू। तो जब सोशल डिवीजन एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है, उसको राजनीति में उठाया जाता है, तो इम्प्रूवमेंट होता है। डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द गेन वी नोटेड अबव इफ दियर अनइक्वल ट्रीटमेंट वॉज नॉट रेज इन पॉलिटिकल डोमेन? क्या आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं की जो जो इम्प्रूवमेंट मिला है, जो फ़ायदा पहुँचा है पॉलिटिक्स में इस जेंडर डिवीज़न को उठाने की वजह से, अगर ना उठाया जाता, पॉलिटिक्स के अंदर ना लाया जाता, तो क्या आपको लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट होता? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।